28 अगस्त को एशिया कप में इंडिया का मुकाबला हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से होने जा रहा है। हालांकि यह मुकाबला बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि पिछले एशिया कप में इंडिया को पाकिस्तान के हाथों ही शिकस्त मिली थी। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा भारत में जिसे क्रिकेट ना पसंद हो। और आज हम जानेंगे कि दर्शकों के बीच इस मैच को लेकर के कितना उत्साह है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इस बार पता चलेगा उन लोगों को कि बाप बाप होता, बेटा बेटा होता। हमारे खिलाड़ी जैसे ही मैदान पर परफॉर्मेंस अपना देने उतरेंगे, सामने वाली पूरी टीम की धज्जियां उड़ जाएंगी। और लोगों को अभी सिर्फ देख रहे हैं ना, किसी प्रैक्टिस जो आपका प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, लेकिन इस बार का प्रैक्टिस सेशन में उन लोग इतनी ताकत भर के लेके जा रहे हैं कि उड़ा देंगे सामने वाली टीम के बॉलरों को। ये छक्का वो चौका, गेंद उन लोगों को मिल भी नहीं करेगी मैदान में। शुरू मैच में तो जीत गया था, लेकिन फाइनल जब हुआ तो उसमें इंडिया से शिकस्त आ गई थी। क्या लग रहा है इस बार ऐसा कुछ होगा, किसको ध्यान देने की जरूरत है? नहीं नहीं ऐसा इस बार कुछ नहीं है, क्लियर कर इंडिया ही जीतेगा। कैप्टन इस बार जैसे रोहित शर्मा है, तो क्या लगता है विराट कोहली को होना था या केएल राहुल को होना था? नहीं, रोहित शर्मा भी अच्छा कैप्टन है, कोहली के साथ थोड़ा हार्ड लक रहता था हमेशा, पर रोहित शर्मा है वो अच्छे से कैप्टनसी कर लेता है और अपने प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, जीत ही जाएंगे इस बार। पसंदीदा प्लेयर कौन है? विराट कोहली, सब लोग उसी को पसंदीदा बोलते हैं, बट हमारे शर्मा जी भी कुछ कम नहीं है। पूरे सीरीज जो चलेगा श्रृंखला, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर कितना तक जा सकता है उनका? 215 तक टोटल बनेगा T20 में। T20 में 215? हाँ, पूरे एशिया कप में हाईएस्ट रहेगा। रोहित शर्मा 70-80 के बीच में टॉप स्कोर करेंगे। इस बार पाकिस्तान क्या लगता है कितना टीवी तोड़ देगा, हारेगा? वो पुराना टीवी तोड़ेगा और क्या, नया टीवी तोड़ेगा। अब देखने के लिए तो हर एक घर में एक होना ही चाहिए, तोड़ने के लिए दो दो रख लें, ज्यादा मजा आएगा। इस बार 100% इंडिया जीतेगी, हमेशा से इंडिया जीतती आई है। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया। UAE में मैच है, बड़े ग्राउंड रहेंगे जहाँ पे स्लो शाम का हवा भी चलती है, स्पिनर को फायदा मिलेगा, चहल अच्छा बॉलिंग करेगा। अब स्पिनर को बोल रहे हो फायदा मिलेगा, और पाकिस्तान में ज्यादातर हम देखते हैं पेसर्स का ही बोलबाला रहता है, तो क्या लगता है उधर से अच्छा कौन कर सकता है जिससे हमको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है इंडिया को? पेसर नए हैं, शाहीन अफरीदी इंजोर्ड है, बाहर है, तो वहाँ के पेसर कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, बैटिंग तो हमारी मजबूत है, हमारे पास टॉप ऑर्डर में है, केएल राहुल है, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, अपना विराट भाई है, उनका वो है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। बस मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो फिर अपने पास स्काई है, ऋषभ पंत है, भाई बैटिंग पूरी भरपूर है, बस मुझे थोड़ा बॉलिंग पे डाउट है, अपने पास थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, हमारे मेन बॉलर जो है बुमराह हैं उनकी कमी हमको खलेगी। और रही बात थोड़ी बहुत मैं टीम सेलेक्शन पर बोलना चाहूँगा कि आवेश खान का सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उनकी जगह मोहम्मद शमी का भी हो सकता था, पर कोई नहीं, फिर भी इंडिया जीतेगा। क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्कोर कौन करेगा? विराट कोहली करेगा। और पाकिस्तान के लोग अगर देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग कितना ज़्यादा डर जाए? पिछले बार तो 1,00,000 टीवियाँ तोड़ दी थी, इस बार कितना टीवी तोड़ने वाले? बहुत ज़्यादा, उससे भी, वो तो अनलिमिटेड टूटने वाला है इस बार। इस बार तो मेरे हिसाब से 100 टीवी नहीं टूटेगी, जब टीवी खरीदने का पैसा होगा तब तो खरीद के तोड़ेंगे। इंडिया का बेटर कैप्टनसी है आजम, बाकी मैच में स्कोर करेगा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है थोड़ा, क्योंकि अभी हाइप कर रहे हैं, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, 3 साल हो गया कोई सेंचुरी नहीं है, है ना, तो हो सकता है आजम थोड़ा इस बार डाउन खेले क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में वो डाउन होगा। पिछली बार UAE में ही पाकिस्तान इंडिया को हराया था 10 विकेट से, इस बार हो सकता है थोड़ा पाकिस्तान डाउन खेले ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। जी, अभी के टाइम पे तो मैं ऋषभ पंत का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी फॉर्म भी अच्छी है, अभी इंग्लैंड में उन्होंने शतक मारा है, तो पूरा भरोसा है कि एशिया कप में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्या अपेक्षा है इस बार T20 में, ऋषभ पंत क्या स्कोर करेंगे हाईएस्ट पूरे ये जो एशिया कप है, हाईएस्ट स्कोर क्या कर सकते हैं वो? मैं तो चाहता हूँ ऋषभ पंत इस बार सेंचुरी मारे T20 में। उस दिन आप इंडियन फैंस का जोश देखेंगे मैदान के बाहर, मैदान के अंदर, इंडिया इंडिया। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, यही काफी है, जितने दिन तक याद रखेंगे ज्यादा बेहतर है। इंडिया इंडिया। इंडियन टीम की तरफ से पाकिस्तान की टीम को क्या बोलना चाहेंगे? यही कि हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली वो जीतेगी, मेरे को तो ये लगता है। इस बार कितने टीवी टूटेंगे? 100 के ऊपर तो हो ही जाए। सारे पिछले बार 1,00,000 टूट गए थे, इस बार 100 ही सारे ही टूट जाएंगे। पाकिस्तान को क्या चेतावनी देना चाहते हैं कि वो खेलने से पहले कैसा, उसको डर क्या होना चाहिए, ऐसा कोई एक लाइन बोले पाकिस्तान के लिए कि अगर वहाँ के कोई दर्शक सुन जाए तो उनको लगे कि हाँ इंडिया के फैंस में इतना जोश है। पाकिस्तान भी अच्छा टीम है, ऐसा बुरा बात नहीं है उनको बोलने के लिए, पर वैसे हमारे इंडिया टीम इतना ही अच्छा है तो उतना कोई डरने की जरूरत नहीं है उनसे, वैसे ही अपने इंडिया वाले डोमिनेट करते हैं हमेशा और करेंगे आगे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है वाली बात है। तो शाहीन अफरीदी आउट है तो वैसे इंडिया को फ़ायदा है, और फेवरेट बैट तो विराट कोहली है। इस बार इंडिया अच्छा करेगा क्योंकि इंडिया लगातार हारते आ रहा है, इंडिया के पैर जमीन पर हैं, इंडिया इस बार एशिया कप में अच्छा करेगा, हो सकता है कप लेके आए।
मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितनी भी तैयारी करके यहाँ आए हो, पर इस बार आपको पटकनी टीम इंडिया देगी। रही बात आपके मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की, जिसके दम पे आप लोग इतना उड़ रहे थे इतने दिन से, इस बार तो वो भी नहीं है, तो आपको क्या होगा, क्या हश्र होने वाला मैदान का आप पे, तो आप जान ही सकते हैं। आपका पाकिस्तान के दर्शक की डरे रहे क्या इंडिया से, बोलो। नहीं नहीं भाई, खिलाड़ी डरेगा काहे, डर के कोई नहीं खेलता ना भाई, जीतने के लिए खेलता है। जीतेगा तो भारत ना, जीते भारत ये समझना है ना, तो पाकिस्तान को तो डरना चाहिए। डरना चाहिए मतलब इंडिया को भी ज्यादा ओवर वो नहीं होना चाहिए ना। और जो कैप्टन है पाकिस्तान के आजम, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी उनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है बाबर आजम का, वैसे विराट कोहली उनसे बहुत बेटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बाबर आजम करंट फॉर्म में है तो उनको भी अप्रिशिएट करना बनता है कि उनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। लगता है टक्कर होगा या एक तरफा जीत जाएगा इंडिया? एक तरफा तो नहीं चाहिए, टक्कर का मुकाबला होना चाहिए, देखने में बहुत मजा आता है। जी जरूर बदला लेंगे। और रही बात पिछली बार हार की, तो अरे यार पहली बार तो बेचारे लोग को एक जीत नसीब हुई थी वर्ल्ड कप में, जीत जाने दो, थोड़ा बच्चे भी तो खुश हो जाए, कब तक बाप दुखी करता रहेगा अपने बच्चों को। पाकिस्तान फैन को अपना टीवी का ध्यान रखना चाहिए, जब हारेंगे तो टीवी फोड़ेंगे।